यूज हेडफोन प्लीज़। सेकेंड एडवांस पहली वाली वीडियो थी, वहाँ से ज़्यादा उससे ज़्यादा एडवांस यहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ पे थोड़े से आपको टफ लगेंगे लेकिन है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए। बी किसके इक्वल है? एक्स परसेंट ऑफ ए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियरली पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन को समझना। ए का 80% बी के 50% के इक्वल है और बी किसके इक्वल है? ए का एक्स परसेंट। ठीक है, ए का एक्स परसेंट क्या है? बी है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स का मान क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन पर आते हैं, देखते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया है पहले हम वही करेंगे। ए क्या दिया? 80% ऑफ ए। तो वैसा ही हमने लिखा है 80% ऑफ ए। पहली वीडियो में आपको बता दिया परसेंटेज और ऑफ, तो यहाँ पे मैंने वो डायरेक्ट हटा दिए, उतने को लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही स्टेप आप हटाते जाओगे आपका शॉर्ट होता जाएगा। जब आप जे वाले स्टेप भी सीख जाओ, जे वाले शॉर्ट हो जाएंगे। किसके इक्वल है? 50% ऑफ बी। तो वो हमने कर दिया। यहाँ पे देखो नीचे क्या हमें कॉमन मिल रहा है, नीचे हमें कॉमन मिल रहा है 100। तो हम क्या करेंगे, 100 से 100 को कट कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कट किया, ऊपर हमें क्या कॉमन मिल रहा है? ऊपर हमें कॉमन मिल रहा है दोनों साइड 50 और 80 में 0, तो हम 0 से 0 कट कर देंगे। तो ऊपर क्या बचा? 8a इक्वल टू 5b। लेकिन b की वैल्यू क्या है जी? हमें क्वेश्चन में दिया है x परसेंट ऑफ a। वहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू हमें b की यहाँ से मिल जाएगी अगर हम b को सेपरेट रखेंगे। तो b वाला 5 है वो a के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि b के साथ वो न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो। ठीक है, तो b किसके इक्वल है? 8a अपॉन 5। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? b इक्वल टू x परसेंट ऑफ a। तो दोनों हमने कर लिए, दोनों के LHS इक्वल हैं b, तो हमें क्या करने होंगे? हमें RHS इक्वल करने होंगे। तो देखो पहले हम लिख लेते हैं, किसी को भी पहले लिख लो, दोनों इक्वल ही होंगे। x परसेंट ऑफ a इक्वल टू 8a अपॉन 5। ठीक है, हमने जो बोला था वही किया है, 8% वो x परसेंट ऑफ a इक्वल टू a 8a अपॉन 5। यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है? पहले हमें कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है। सबसे छोटी चीज़ है यहाँ पे दोनों साइड a कॉमन मिल रहा है, ऐसे a को हम कट करेंगे। मिल तो हमें 5 भी रहा है, लेकिन 5 से हम इधर ही आके सीधा सीधा कट कर लेंगे, वहाँ पे नहीं। और वहाँ पे करना चाहो वहाँ पे भी कर दो, पहले हम a से a को कट करें। a से a कट किया, ठीक है। अब देखो दोनों साइड वैल्यू क्या है, x अपॉन 100 इधर 8 अपॉन 5। तो हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, 100 की तो नहीं करनी ना साथ में। तो 100 को दूसरी साइड ले जाएं, मतलब जितनी जो वैल्यू दी है जो हमें फाइंड करनी है वो हमें सेपरेट कर रखनी है, ठीक है, जिसका आंसर हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 8 इंटू 100 अपॉन 50। ठीक है, सेपरेट करने के लिए हम 100 को इस साइड लाएं, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में आ गया। ठीक है, 5 से हम 100 को कट करेंगे। ठीक है, 5 से हम 100 को कट कर सकते हैं ना, कितनी बार में? 20 टाइम्स में, बहुत ही आसान तरीके से। 5 से हमने 100 कट किया कितने? 20 टाइम में। 20 इंटू 8 कितना होगा हमारा? 160 होगा। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू आई आपकी 160। और जो आपको नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मिलेगी उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे साथ में और काफ़ी चीज़ें आपको शॉर्ट मिलेंगी। स्टार्टिंग में हम ऐसे चल रहे हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके पास टीयर टू वाले क्वेश्चन होंगे 2-3 वीडियो के बाद, जो टीयर टू में क्वेश्चन आए हुए हैं हर टाइप के क्वेश्चन, बस वही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आया? 160 आया। और इस क्वेश्चन को अभी हम शॉर्ट वाले मेथड से भी देखेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही एक लाइन का है, बस आप देखोगे तुरंत टिक कर दोगे, इतना सिंपल है। बस थोड़ा उस पर आपको कंसंट्रेशन करना है, आपको बस देखना है कि आंसर आया तो आया कैसे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, बी इक्वल टू 2x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारा सीधा सीधा इसमें दिया है ए का 90% बी के 30% के बराबर है, तो बी का बी किसके इक्वल होगा? 2x% ऑफ ए का 2x% होगा, वो किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी। फर्स्ट स्टेप वही सिंपल, 90 ए अपॉन 100 इक्वल टू 30 बी अपॉन 100।
ठीक है, सेम ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉमन मिल रहा है उससे कट कर दो, ठीक है, 100 से 100 हम कट कर देंगे, नीचे कॉमन मिल रहा है 100 से 100 कट, ठीक है जी, हमने यहीं पे कट कर दिया जो हमने पहले शायद किया या नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। और ऊपर देखिए हम हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, ऊपर 0 यहाँ पे तो मिल रहा है, लेकिन 0 से ही बड़ी एक और चीज़ मिल रही, पूरा 30 कॉमन मिल रहा है, तो 30 से हम कट करेंगे ना, 30 बन जाए 30, 30 से 3 बार में 90 को कट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, इधर 30 तो 1 टाइम में और 90 3 टाइम में, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, 3a इक्वल टू b। तो यहाँ पे तो देखो आपको वैल्यू भी नहीं कहीं ले जाने, यहाँ पे वैल्यू आपको सीधी सीधी सामने दिख रही है, क्योंकि b के साथ कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 है, 1 को तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस यही चीज़ है हमारी यहाँ पे, तो b इक्वल टू 3a। क्लियर है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, b इक्वल टू 2x% ऑफ a, ठीक है, क्या दिया है, b इक्वल टू 2x% ऑफ a, तो हमें बस वही करना है, बी किसके इक्वल है, 2x% के, तो दोनों हमने लिख लिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व करके आया b इक्वल टू 3a और b इक्वल टू 2x% ऑफ a, जो हमें क्वेश्चन में दे रहा है, दोनों के LHS इक्वल हैं, तो आपको भी पता है RHS इक्वल हम करेंगे, ठीक है, RHS हमने इक्वल कर लिए, 2x% ऑफ a इक्वल टू 3a इक्वल है, यहाँ पर कॉमन क्या है, a, देखो a से a हम कैंसिल करेंगे, ए से हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आप 2 से 100 भी कैंसिल कर सकते हो जैसे पहले कर सकते थे, लेकिन हम सेपरेट करके ही करें वो बेटर रहेगा, ये आपको दिख जाएगी, नहीं तो एक स्टेप हमारा यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है, आपको तो बस ये देखना है स्टेप हमें कम कहाँ से करने हैं, ठीक है, तो और हमें वैल्यू क्या आएगी, फाइंड करनी है एक्स की, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स को सेपरेट रखना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, एक्स को सेपरेट हम रखेंगे, सेपरेट रखने के लिए हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू 100 को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और 2 को डिनोमिनेटर में, तो 3 इंटू 100 अपॉन 2, अब देखो 2 से 100 कट सकता है ना, कितने टाइम में, 50 टाइम में, 2 से 2 1 टाइम में कटेगा, 2 से 100 कटेगा आपका 50 टाइम में, ठीक है, तो 2 से यहाँ पर 100 कटा, कितना आया ऊपर, 50, 50 इंटू 3 आपका कितना हुआ, 50 इंटू 3 आपका हुआ 150, ठीक है जी, आपका आंसर है, और नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें और उसमें आपको थोड़ा एडवांस मिलेगा, ठीक है, और आप टेंशन ना लें, आपको सारे क्वेश्चन परसेंटेज के, आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी Tier 2 के साथ, ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन शॉर्ट में बता दूंगा कि फर्स्ट वाले को शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर, बस आपको ध्यान रखना है अपनी चीज़ों पे कि कैसे होगा, तो हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन फिर से, और देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे बस आपको थोड़ा समझना है, 80% ऑफ a इक्वल टू 50% ऑफ b, ठीक है, एंड b इक्वल टू x% ऑफ a, a का 80% b के 50% के बराबर है, और बी किसके बराबर है, एक्स परसेंट ऑफ ए, जी मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी पढ़ के बताया था, लेकिन आपने यहाँ पर ये एक चीज़ देखी, बी का 50% है वो ए के 80% के इक्वल है, मतलब बी का 100% होगा तो ए का समझ गए ना 160% होगा, और बी किसके इक्वल है, बी अपने आप में 100 है ना, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, और बी किसके इक्वल है, ए का एक्स परसेंट, तो बी 100 है और अपने आप में, और x कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए जब इक्वल होंगे, तो यहाँ पे वही तो लिखा है b इक्वल टू x% ऑफ a, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर, 160 होनी चाहिए, तो यहाँ पे b कितना है, b अपने आप में 100 है, तो a कितना होगा, 160 होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 160। थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो भी आपको एक दिन छोड़ के सारी वीडियो आपको मिलेंगी।